हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का फोर्थ मॉडल, दैट इज एडिटिव सेपरेबल रिटर्न फंक्शन एंड सिंगल मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट। हमारे पास जो सेपरेबल रिटर्न फंक्शन है, इसमें जो हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में जो साइन है वो एडिशन का है, एंड हमारे पास जो कांस्टेंट है, इनमें जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू n, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक बात बताऊं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, अक्सर ये एग्जाम में आती है अगर आपके सिलेबस में डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखिए, आई एम श्योर 100% आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हो। और जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस जिनमें मैंने मॉडल 1, 2 एंड 3 डिस्कस किया हुआ है वो नहीं देखी है, तो सबसे पहले आप वो देखिए। नाउ लेट अस स्टार्ट स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, टू डिवेल्प द फंक्शनल इक्वेशन। हम सबसे पहले फंक्शनल इक्वेशन को डिवेल्प करेंगे, जिनको हम रिकर्सिव इक्वेशंस भी कहते हैं। सो लेट एफ एन ऑफ डी डिनोट्स द मिनिमम अटेनेबल वैल्यू ऑफ जेड व्हेन डी इज फैक्टराइज्ड इन एन फैक्टर्स। लेट अस सपोज हमारे पास जो एफ एन ऑफ डी है, ये डिनोट करेगा मिनिमम अटेनेबल वैल्यू ऑफ जेड, कि जेड मिनिमम, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो मिनिमाइज जेड है। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि एफ एन ऑफ डी क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू जो जेड अटेन कर सकता है, जब हमारे पास जो डी यहां पे दिया हुआ है इसको हम एन फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, बिकॉज हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल्स है वो एन है। तो इट मींस दैट एन को हम एन फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे फॉर एन स्टेजेस। हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेजेस है वो एन है, दैट इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू एन। नाउ फॉर स्टेज 1, जब हमारे पास पहली स्टेज होगी दैट इज n1 होगा, तब हमारे पास क्या आएगा, x1 आएगा। ओके, तो x1 इज इक्वल टू d, इट मींस दैट d इज फैक्टराइज्ड इनटू वन फैक्टर ओनली। इसका मतलब क्या है कि d को सिर्फ एक ही फैक्टर में फैक्टराइज्ड किया गया। सो देयरफॉर f1 ऑफ d दैट इज मिनिमाइज z। अब हमने जो n लिया है वो क्या लिया है, 1 लिया है, तो यहां पे सिर्फ x1 आएगा। तो मिनिमाइज z इज इक्वल टू मिनिमाइज x1 इज इक्वल टू d इंटू x1। ओके, यहां से x1, तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा मेरे पास वैल्यू आएगी d। तो इसको मैं इक्वेशन लेता हूं a। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 2, दैट इज जब मैं n 2 लूंगा तो d को फैक्टराइज करूंगा मैं 2 फैक्टर्स में, दैट इज x1 एंड x2। तो कॉन्स्टेंट में जहां पे मेरे पास डॉट प्रोडक्ट है तो वहां से मैं लेता हूं x1 डॉट x2, और लेट अस सपोज x1 को मैंने सपोज किया y के बराबर, तो x1 डॉट x2 इज इक्वल टू d। ओके, d को फैक्टराइज किया गया है 2 फैक्टर्स में, इंप्लाइज x1 को मैं लूंगा राइट हैंड साइड में, तो ये बनेगा d/x1, और x1 को कंसीडर किया है मैंने y, तो मेरे पास जो x2 आएगा वो आएगा d/y। सो f2 ऑफ d वो क्या है मेरे पास, मिनिमाइज z। ओके, तो मिनिमाइज z क्या आएगा, देखिए फ्रेंड्स, यहां से मेरे पास आएगा x1 प्लस x2, बिकॉज n मैंने क्या लिया है, 2 लिया है। तो मैंने यहां पे लिखा है मिनिमाइज y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू d x1 प्लस x2। ओके, अब मैं यहां से x1 की वैल्यू यहां पे पुट करता हूं एंड x2 की वैल्यू यहां पे पुट करता हूं। ओके, तो फ्रेंड्स यहां से देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जो f1 ऑफ d है वो क्या था, d के बराबर है। तो यहां पे मैं जब लूंगा d/y तो यहां पे भी आएगा d/y, तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स d/y, तो यहां पे आएगा f1 ऑफ d/y। तो इसको मैं लूंगा इक्वेशन नंबर b। सिमिलरली अब मैं पुट करूंगा n इज इक्वल टू 3, दैट इज इफ d इज फैक्टराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। जब मैं d को फैक्टराइज्ड करूंगा 3 पार्ट्स में, दैट इज x1 x2 एंड x3। ओके, तो हमारे पास जो गिवन कांस्टेंट है वहां पे डॉट प्रोडक्ट है, तो वहां पे मैं लूंगा x1 डॉट x2 डॉट x3,
इज इक्वल टू डी। ओके, तो फ्रेंड्स एक्स वन मैंने लिया है वाई के बराबर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, एक्स वन इज इक्वल टू वाई। तो फ्रेंड्स यहां से मैं जब एक्स वन को राइट हैंड साइड में लूंगा तो ये बनेगा डी अपॉन एक्स वन, और एक्स वन को मैंने लिया है वाई के बराबर तो मैंने यहां पे लिखा है डी बाई वाई। इट मीन्स दैट द पार्ट डी बाई वाई, जो मेरे पास यहां पे डी बाई वाई है, इसको मैंने फर्दर डिवाइड किया टू फैक्टर्स में। ओके, टू पार्ट्स में या टू फैक्टर्स में, हूज मिनिमम अटेनेबल प्रोडक्ट, इनका जो मिनिमम अटेनेबल प्रोडक्ट है वो क्या लूंगा मैं, एफ टू डी बाई वाई। ओके, जब मैंने इसको डिवाइड किया था, डी को डिवाइड किया था एक प्रोडक्ट में, यहां से देखिए सिंगल प्रोडक्ट में, तब मेरे पास आया था वन ये के बराबर, ठीक डी। अब मैंने जब इसको डिवाइड किया है दो हिस्सों में तो तब मैंने क्या लिया, एफ टू डी एफ वाई। ओके, सो डीआर फोर एफ थ्री एफ डी। अब फ्रेंड्स जो मेरे पास कॉन्स्टेंट है, ये सॉरी जो मेरे पास फंक्शन है, ये इस वक्त मैंने लिया है एन थ्री, तो इस मेरे पास क्या आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री। ओके, तो एक्स वन की वैल्यू क्या है मेरे पास, वाई है, और यहां से मेरे पास जो एक्स वन प्लस एक्स टू, जो मैंने डी एफ वाई को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, और इसका जो अटेनेबल प्रोडक्ट था, जो ये अटेन कर सकता था प्रोडक्ट, वो मेरे पास ये लिया था। ओके, तो इसका मतलब इन दो की जगह पे मेरे पास आएगा एफ टू डी एफ वाई, बिकॉज ये इनकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, सॉरी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम अटेनेबल वैल्यू। तो इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर सी, प्रोसीडिंग इन द सेम वे। अब मैं इसी तरह से प्रोसीड करूंगा, एंड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी द रिकर्सिव इक्वेशन और फंक्शनल इक्वेशन विल बिकम। अभी तक मैंने फॉर एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू टू एंड एन इज इक्वल टू थ्री के लिए निकाला, अब मैं निकालूंगा फॉर एन इज इक्वल टू एन, दैट इज फॉर एंथ स्टेज। तो एंथ स्टेज के लिए क्या आएगा, हम ऊपर से देखते हैं। तो फ्रेंड्स जब मैंने टू के लिए लिया था तो यहां पे आया था वाई प्लस एफ वन। ओके, जब मैंने थ्री के लिया यहां पे आया मेरे पास वाई प्लस टू, इट मीन्स यहां पे एन, यहां पे एन माइनस वन। ओके, तो इसी तरह से यहां पे लिया मैंने मिनिमम जीरो स्ट्रिक्टली लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू डी वाई प्लस एफ एन, यहां पे एन है तो यहां पे मेरे पास आया एन माइनस वन इंटू डी बाई वाई। ओके, और इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर डी। तो इससे मेरे पास स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर फर्स्ट में मैंने क्या किया, एन स्टेजेस के लिए मैंने रिकर्सिव इक्वेशन कॉन्स्ट्रक्ट की। अब मैं स्टेप नंबर टू की तरफ जाता हूं। स्टेप नंबर टू में मैंने क्या करना है, फंक्शनल इक्वेशंस फॉर डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल पॉलिसी। अब मैं इन फंक्शनल इक्वेशंस को या रिकर्सिव इक्वेशंस जिनको कहते हैं उनको मैं सॉल्व करूंगा डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल पॉलिसी, ऑप्टिमल पॉलिसी को डिटरमाइन करने के लिए। ओके, सो मैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं, इक्वेशन ए, जिसमें एफ वन ऑफ डी डी के बराबर है। ओके, तो इसको मैंने लिया एफ वन ऑफ डी इज इक्वल टू डी। उसके बाद मैं लूंगा एफ टू ऑफ डी को, तो एफ टू ऑफ डी मेरे पास क्या है, y प्लस एफ वन ऑफ डी बाई वाई। तो फ्रेंड्स इसको मैंने लिया। ओके, अब यहां से देखिए एफ वन ऑफ डी मेरे पास d के बराबर है, तो d बाई वाई किसके बराबर आएगा, वो भी आएगा d बाई वाई के बराबर। ओके, सो यहां पे मैंने लिखा है y प्लस डी बाई वाई। नाउ फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वी प्रोसीड यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस। जैसे कि फ्रेंड्स हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में करते थे, जब भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते थे, हम उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते थे, उसको जीरो के बराबर इक्वेट करते थे, वहां से हम वैल्यू निकालते थे, उसके बाद उस फंक्शन को दोबारा डेरिवेट करते थे, तो फिर वो जो हमने वैल्यू ऑब्टेंड की होती थी एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद, उसको जीरो इक्वेट करने के बाद, वो वैल्यू उसमें पुट करते थे। अगर वो वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन जीरो थी तो मिनिमम, अगर लेस देन जीरो तो मैक्सिमम होता था। ओके, वही हम यहां पे भी करने वाले हैं। मेरे पास ये, इसकी हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मिनिमम वैल्यू तब होगी जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा। तो मैं इस वाले को लूंगा, इसको मैंने लिया एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वन वाई प्लस डी बाई वाई। इसको मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा मेरे पास आएगा वन माइनस डी बाई वाई स्क्वायर। ओके, उसके बाद इसको मैं इक्वेट करूंगा जीरो के बराबर। जब मैं इसको जीरो के बराबर इक्वेट करूंगा मेरे पास क्या आएगा, वन माइनस डी बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और इसको जब मैं राइट हैंड साइड में लूंगा उसके बाद सिंप्लीफाई करूंगा तो वाई इज इक्वल टू डी रेस्ट पर वन बाई टू, बट ये बनेगा प्लस माइनस, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको
दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा। तो ये मेरे पास आएगा डी स्क्वायर बाई अपन डी वाई स्क्वायर, यहां पे जीरो प्लस टू डी बाई वाई क्यूब। ओके, तो फ्रेंड्स जब मैं डी पॉजिटिव करूंगा पुट, उसी केस में मेरे पास ये ग्रेटर देन जीरो आएगा। अगर मैं डी नेगेटिव पुट करता हूं तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा, दैट इज मैक्सिमम होगा। लेकिन मुझे यहां पे क्या करना है, मिनिमम वाला चूज करना है। तो उसके लिए मुझे यहां पे सिर्फ y इज इक्वल टू डी रेज पर 1 बाई टू पॉजिटिव ही लेना है, उसी केस में ये मेरे पास क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। सो डियर फोर एफ टू ऑफ डी, अब एफ टू ऑफ डी क्या निकलेगा, जब मेरे पास y की वैल्यू क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, दैट इज डी रेज पर 1 बाई टू। ओके, तो मेरे पास डी रेज पर 1 बाई टू में यहां पे वैल्यू पुट करता हूं प्लस डी रेज पर 1 बाई टू। तो इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा मेरे पास आ जाएगा 2 डी रेज पर 1 बाई टू। इसको मैं लेता हूं इक्वेशन नंबर ई। ओके, तो फ्रेंड्स जो मेरे पास यहां पे आया इसको मैं ये लिख सकता हूं डी रेज पर 1 बाई टू प्लस डी रेज पर 1 बाई टू। ओके, हेंस द ऑप्टिमल पॉलिसी, इसका मतलब जो मेरे पास ऑप्टिमल पॉलिसी है वो क्या आएगी, वो आएगी एक्स वन मेरे पास ये है और एक्स टू भी मेरे पास ये है, क्योंकि मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो किस टाइप का है, वो है एक्स वन प्लस एक्स टू। तो यहां पे मेरे पास आया एक्स वन प्लस एक्स टू, इट मीन्स दैट एक्स वन डी रेस्ट पर 1 बाई टू, एक्स टू भी डी रेस्ट पर 1 बाई टू। ओके, जो ये वाला मैंने लिखा है ये मैंने यहां से लिखा है, ये देखिए एक्स टू, एक्स वन मेरे पास यहां से आया डी रेस्ट पर वाई बाई टू, ठीक, एक्स वन को मैंने वाई लिया था ये, उसके बाद जो एक्स टू था वो तो डी रेस्ट पर डी बाई वाई, तो ये यहां से भी ये आ जाता है। ओके, और यहां से भी। अब मैं लूंगा फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर सी, दैट इज फॉर एफ थ्री एफ डी, ये वाली इक्वेशन लूंगा मैं। तो फ्रेंड्स यहां से मैंने लिया है एफ थ्री एफ डी इज इक्वल टू मिनिमम जीरो स्ट्रिक्टली लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू डी वाई प्लस एफ टू डी एफ वाई। तो फ्रेंड्स यहां से मैंने जो ऑप्टिमल वैल्यू निकाली है एफ टू ऑफ डी की, वो है ट्वाइस डी रेस्ट पर 1 बाई टू। यहां पे मेरे पास डी बाई वाई है, तो यहां पे भी मेरे पास क्या आएगा, डी बाई वाई। तो ये मैंने लिया वाई प्लस ट्वाइस ऑफ डी बाई वाई रेस्ट पर 1 बाई टू। तो जैसे कि हमने एफ टू ऑफ डी में किया था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने डिफरेंशियल कैलकुलस का इस्तेमाल किया था, वही हम यहां पर भी करेंगे। ये मैंने लिया है जो यहां पर इक्वेशन है, इसको मैंने लिया एफ ऑफ वाई, इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। ओके, उसके बाद इसको जीरो के बराबर इक्वेट करूंगा, मेरे पास आएगा यहां पर टू रेज पर 1 बाई टू वाई रेज पर 3 बाई टू। ओके, तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू आई, इसको मैं जब इसमें लूंगा राइट हैंड साइड में लूंगा, उसके बाद सिंप्लीफाई करूंगा, तो y मेरे पास आएगा d रेज पर 1 बाई थ्री। अब मैंने ये चेक करना है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो इसको मैंने फिर से दोबारा डिफरेंशिएट किया, मेरे पास आया 3 बाई टू d रेज पर 1 बाई टू वाई रेज पर 5 बाई थ्री। तो फ्रेंड्स जब मैं y की वैल्यू d रेज पर 1 बाई थ्री लेता हूं तो ये हमेशा मेरे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। इट मीन्स दैट फॉर y इज इक्वल टू d रेज पर 1 बाई थ्रू इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम। कौन सा पॉइंट है ये, पॉइंट ऑफ मिनिमम। ओके, हेंस f3 ऑफ d मेरे पास क्या आएगा, d रेज पर 1 बाई थ्री, वाई की वैल्यू यहां पे मैंने पुट करी जो यहां से निकली थी, ठीक, यहां पे मेरे पास है y रेज पर d रेज पर 1 बाई थ्री, मिस्टेक से हुआ था, यहां पे 1 बाई टू लिखा था मैंने, तो यहां पे मैंने वैल्यू पुट की। ओके, यहां पे मैंने वैल्यू पुट की, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, थ्राइस ऑफ डी रेस्ट पर 1 बाई थ्री। ओके, तो फ्रेंड्स इसको मैं लिख सकता हूं डी रेस्ट पर 1 बाई थ्री प्लस डी रेस्ट पर 1 बाई थ्री प्लस डी रेस्ट पर 1 बाई थ्री। तो फ्रेंड्स मेरे पास जो फंक्शन है वो है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री एंड सो ऑन। इट मीन्स दैट एक्स वन मेरे पास आएगा डी रेस्ट पर 1 बाई टू, एक्स टू मेरे पास आएगा डी रेस्ट पर 1 बाई थ्री एंड एक्स थ्री मेरे पास आएगा डी रेस्ट पर 1 बाई थ्री। हेंस द ऑप्टिमल पॉलिसी मेरे पास आएगी ये वाली। ओके, कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर, इसी तरह से जब मैं कंटिन्यू करूंगा द ऑप्टिमल पॉलिसी फॉर nth स्टेज, अब nth स्टेज के लिए मेरे पास ऑप्टिमल पॉलिसी क्या आएगी। फ्रेंड्स जब मैंने f2 लिया था तब मेरे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी डी रेस्ट पर 1 बाई टू डी रेस्ट पर 1 बाई टू। जब मैंने यहां से 3 लिया मेरे पास वैल्यू आई डी रेस्ट पर 1 बाई थ्री 1 बाई थ्री 1 बाई थ्री। ओके, अब मैं जब nth स्टेज के लिए लूंगा तो उस केस में क्या आएगी, डी रेस्ट पर 1 बाई एन डी रेस्ट पर 1 बाई एन एंड सो ऑन डी रेस्ट पर 1 बाई एन, जैसे यहां पे आया था। एंड जो एफ एन एफ सी आएगा वो क्या आएगा, सॉरी एफ एन एफ डी वो मेरे पास क्या आएगा, जैसे देखिए फ्रेंड्स यहां से पहले जब मैंने 2 के लिए लिया था तो मेरे पास आया था ट्वाइस डी रेस पर 1 बाई टू,
जब मैंने 3 के लिए लिया तो मेरे पास आया 3 रेज थ्राइस डी रेज पर 1/3। अब मैं जब n टर्म के लिए लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, n डी रेज पर 1/n। ओके, सो द ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिनिमाइज z मेरे पास क्या आएगा, n डी रेज पर 1/n, और x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू सो ऑन xn इज इक्वल टू डी रेज पर 1/n। तो फ्रेंड्स, ये था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।